मैं दीपेंद्र मंडोल सेफ स्ट्रक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं आज का लाइव डेमो दिखाऊंगा मेरा बाय सेल लेवल और स्ट्रैटेजी का। तो बहुत ही देर हो गया हूँ, मैंने एक्चुअली रात भर डेवलप करता हूँ। जो लोग को मतलब फाइल मिलता है, जो लोग को बाय सेल लेवल यूट्यूब वीडियो जो लोग देखता है वो देखता है कितना रात में मैंने पोस्ट करता हूँ, तो तब भी देखते हैं लास्ट मोमेंट में कुछ लेवल्स आता है क्या नहीं आता है। तो मैंने अगला दिन का फाइल पहले देखा दूंगा आप लोग को, और मैंने अगला दिन का जो व्यू आप लोग को दिया था तो उसका आप लोग को भी व्यू मिला था, तो उसको आप लोग को पहले दिखाऊंगा तो उसमें कितना मैच किया है। देखिए इसका भी व्यू भी आप लोग मेरा बाय सेल लेवल का बाइंग एंड सेलिंग लेवल सब इक्विटी कमोडिटी वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो इसका भी आप लोग को व्यू आप लोग मिल गया होगा। मैंने ऑनली फ्यूचर निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर का दिखा था, देखिए 9539 के ऊपर इसका फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर का बाई था और 21039 का इसका बाई था। सेंटर लेवल का 20,800 और 9482 ठीक है, तो इसमें गैप अप एंड डाउन भी आप लोगों को कंसीडर कर लेना है, तो मैंने वीडियो में बार बार बोलता हूँ। तो देखते हैं मार्केट में क्या हुआ है। देखिए 21550 में ये ओपन हुआ था, उसके बाद ये ऊपर ही चला, ठीक है ये ऊपर ही चला। तो मार्केट ओपन होने के बाद आज जिस तरीके का देखता है इसका पहले ऊपर ही गया था, ठीक है तो आप लोग तो इसमें आप लोगों को कौन सा लेवल पे आप लोग एंट्री ले सकते थे देख लेते हैं। इक्कीस हजार 550 के ऊपर तो ये देखिए 399 का जो ऊपर था, तो उसके बाद ये ऊपर 21,878 का लेवल था, तो इतना तक गया नहीं। 21,984 में ये रुक गया, ये है वैसा लेवल लोअर का, मैंने दूसरा वैसा लेवल भी देखता है। और 21,800 का नीचे जब गिरा था, 21,800 का नीचे इसका 21,400 तब ये आया था, ठीक है मैंने वैसे लेवल अभी ये वैसे लेवल लोअर दिखा था। आप लोग गिरज रख के पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को सुविधा ही होगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें कैसे कितना अच्छी तरह से काम करता है, उसके बाद हम इसका हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 9538 के ऊपर बढ़े थे 21,500 तो निकल गया है, बीच का बाहर चला गया है। और यूएस मैथमेटिक प्लस लेवल्स का जो था वो भी बीच का बाहर हो गया है, ठीक है लेकिन इसका जो ओपन था फ्यूचर का वो भी बीच का बाहर ही है, ठीक है इसके बाद मैंने देखूँगा इसमें। अच्छा और इधर से मैंने एक चीज देखना है, इसमें आप लोग को वो बस आप लोग को जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ लेवल्स आप लोग को मिल जाएगा वो है थीसिस एनालिसिस, क्योंकि उसको फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल दिया जाता है, तो आप लोगों को इसमें 9516 का 9
भविष्य का 656 के ऊपर उसका बाइक का लेवल था, ठीक है सॉरी। वीडियो ही देख सकता इसने क्या आप लोग का ऐसा देखा था, ये आप लोग वीडियो देखेंगे तो कल का वीडियो वीडियो भी देख सकता है और वैसे लेवल वाला वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग को यही लेवल दिखाएगा। तो देखिए 2656 के ऊपर इसका बाइक का लेवल था, तो अगर रोकन हो तो 21,550, ठीक है तो 21,550 1,986 तक गया, ठीक है दोस्तों। और निफ्टी का भी ऐसा हुआ है, निफ्टी का 9705 में ओपन हुआ, 9807 से फिर हाई मारा था, तो ऐसा देखते हैं इसका 9705। देखिए 9709 के ऊपर हम लोग लेते थे तो 9869 तक इसका हाई हुआ था सर, ओके। तो इसमें आप लोग को दिखाना का ये है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, और मैंने पहले उसके बाद में ही आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा कि इसका अच्छी तरह से काम करता है, और इसका जो जो लोग प्राइस ये सब वगैरह बोलते हैं ना, तो इसमें सब कुछ इसमें आ जाता है, तो इन साइकिल में आ जाता है। हो सकता है कि हम लोग का पता नहीं है, लेकिन इसमें चलता है, हाँ ठीक है। जो लोग जिसमें कंफर्टेबल है ठीक है, लेकिन एक चीज़ सीखने के लिए कुछ खराब नहीं होगा, तो इसमें देखिए फिबोनाची का एंट्री लेवल था 20,160। देखिए इधर इस लेवल पे आप लोग एंट्री ले सकते थे, और इधर 9700 के इधर भी आप लोग एंट्री ले सकते थे, ठीक है। इसका लेवल भी आप लोग को दिखा दिया। उसके बाद देखिए गान का लेवल देखता है, थोड़ा सा देर हो चुका है, आप लोग भी पहले वाला वीडियोस देख के आप लोग को वीडियो में ये मिला है, ये सब लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो में दिया है कुछ, और जो रात में जो बाइसल लेवल वाला वीडियो दिया है उसमें भी आप लोग को ये मिला है, तो भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को जस्ट दिखा दे रहा हूँ, आप लोग खुद भी देख सकता है। 338 इधर 395 इधर था
रेंज का बाहर हो गया है। आप लोगों जस्ट मैंने हिंट देके दिखा देता हूँ कि कैसे देखना है आप लोग, तो अब भी आप लोग को आप लोग नहीं जानेंगे तो कैसे देखेंगे, तो इसीलिए आप लोगों को एवर करना मेरा काम है। तो इसमें आप लोग को जब इसमें जब आप लोग एडप्ट करके काम करेंगे दोस्तों, आप लोगों का काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोग एक्यूरेसी भी बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। तो इसके लिए मेरा ट्रेनिंग सेशन भी रखा है, आप लोग ट्रेनिंग भी ले सकता है, कॉल सर्विस भी ले सकता है। इधर देखिए, इधर जो इधर का लेवल देखिए, इधर 565 के ऊपर इसका लेवल था, आप लोग देख सकते हैं इधर 565 का ऊपर लेवल था और इधर 9727 के ऊपर जो लेवल था, उसके बाद ये कितना अच्छी तरह से मूवमेंट दिया है। ठीक है, ये आप लोग को वीडियो में भी मिला है, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे है उसका फाइल भी मिला होगा। आप लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन ज्वाइन होकर देख सकते हैं, नहीं तो एक दिन पूरा आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे मूवमेंट होता है। और इसमें और भी लेवल्स हैं मेरा, ये सब वोलेटिलिटी बेस्ड लिंक्ड है। तो वोलेटिलिटी बेस्ड लिंक्ड होता है क्या, ये डायनामिक होता है, वोलेटिलिटी के साथ ये इसका जो लेवल्स है कैलकुलेशन है वो एडजस्ट कर लेता है, तो इसमें एक्यूरेसी और भी बढ़ जाता है। इसका भी आप लोग देख सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिंक, ये देखिए 475 उधर 638 के ऊपर ये कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। सभी लेवल बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा, लेकिन हाँ सभी लेवल कंपेयर करके आप लोगों को देख लेना है कौन सा लेवल ज़्यादा। सोच लीजिए 9705, उसके बाद कौन सा लेवल पे 9707, कौन सा लेवल पे 9709, कौन नज़दीक होता है, कौन सा लेवल पे दिखाता है 9725, वो आप लोग को छोड़ देना है। और जो नज़दीक वाला जो कॉमन ज़्यादा आता है तो उसमें ले, मैं बोल रहा हूँ आप लोग कोई भी लेवल इस्तेमाल कर सकता है, सभी लेवल अच्छी तरह से काम करेगा, लेकिन जो 5-7 लेवल्स आप लोग कंपेयर करके लेंगे तो उसका डिसीजन और भी अच्छा रहेगा। मेरा एक्चुअली इसमें फाइल थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसीलिए प्रोसेस होने से मेरा भी मशीन थोड़ा सा कैपेसिटी कम है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग को धीरज रखिए, आज का लेवल भी दिखाऊंगा, आज का कुछ लेवल आएगा तो जो दिखाऊंगा वो कल का लेवल, आप लोग कल का फाइल में कैसे काम कर सकते थे वो पहले दिखा दिया रहा हूँ। ये वाला लेवल देखिए, ये 354 के ऊपर बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है। ये वाला लेवल छोड़ ही दीजिए, इसमें रेंज का बाहर हो गया है। ठीक है, ये इस लेवल को देखते हैं, और इस लेवल को देखिए 541 के ऊपर 630, आप लोग को भी छोड़ देंगे तो क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद ही बड़ा मूवमेंट है, पकड़ना मुश्किल होता है। 630 के ऊपर देखिए आप लोग ले सकते थे, और इधर 9702 का लेवल भी आप लोग छोड़ देते, 9745 से भी आप लोग एंट्री लेते थे, तो आप लोग देख सकते हैं कितना हाई गया है। इसका सेल साइड भी आया है, आप लोगों को बाय सेल लेवल 1 में दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आज का लेवल मैंने दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए, आप लोग को आज का लेवल मैंने कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो आज का जो मैंने कैलकुलेट किया हूँ इसमें,
अटक जा रहा है फाइल, ये नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा फिर से अपडेट करना पड़ेगा। इसका देखते हैं चार्ट में, मैंने ऑली निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का मैंने लेवल दिखाऊंगा। तो इधर ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखता है मेरा, एक्चुअली वीडियोस का मकसद यह है कि चार्ट का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और वाइसल लेवल कैसे काम करता है। इसका मैंने बॉक्स वैल्यू सेट किया है 30 में, ठीक है, ये ऊपर जाने का कोशिश किया है तो कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इधर भी 40 का नीचे आ गया है और एटीआर थोड़ा सा नीचे है, तो लगता है ये नीचे जा रहा है, जाएगा, देखना पड़ेगा। और इधर चार्ट का हिसाब से अभी मार्केट नीचे ही आएगा, इसका बॉक्स वैल्यू थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसको भी देख लेता है एक बार, इसका थोड़ा सा 30 डकने से नहीं चलेगा, इसका 10 देना पड़ेगा। इसका ट्रेंड क्या गलत कर दिया, गलत कर दिया दोस्तों, 10 तब तक मैंने फाइल देख लेता हूँ। इधर 9802, हाँ इधर आ गया है, तो इसका देखता है ये भी नीचे आने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अभी नीचे आने वाला है। और इधर मैंने एक बार फिर अपडेट कर देता हूँ, मतलब फाइल को एक बार और इसका भी बंद कर देता हूँ, दिखा दिया आप लोग को। इसका तो काम हो गया है, इसको थोड़ा सा बंद कर लेता है, नहीं तो इधर से थोड़ा सा मिंगल अप हो जाएगा। एक्चुअली मैंने फाइल अपडेट नहीं किया, अब लोग जो लोग एक्सेल जानता है, मैंने देखा इधर हाई लो क्लोज आज का बैठा लिया, तो उसी का हिसाब से आप लोग को उसका फॉर्मूला ड्रैग कर लिया। तो आज का लेवल निकल आएगा, एक्चुअली इतना फाइल अपडेट करने से बहुत ही टाइम लग जाएगा, मैंने बहुत देर कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसीलिए आप लोग को उधर से दिखाऊंगा लेवल्स, आप लोग को एक ही मिलेगा, मैंने जितना सा एडजस्ट करना है जो जो जगह एडजस्ट करना है वो कर लिया है, देखते हैं उसके बाद वो लेवल आता है कि नहीं आता है वो भी देखना पड़ेगा। तो इधर इससे वह फाइनल अपडेट कर देता हूँ क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस 9792 और 21,470। देखिए आप लोगों को, देखिए बैंक निफ्टी कितना गिर गया, 21,476, 21,476। यही चार्ट आप लोगों को ट्रेनिंग में दिखाऊंगा, चार्ट का सेटअप भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो और इधर 9794, तो ये भी आप लोगों को एक ऑब्जर्व करने का चीज़ है। और इधर से देखते हैं ये क्या बता रहा है इस चार्ट का सेटअप, इसको थोड़ा सा आने दीजिए।
चार्ट को थोड़ा सा बना दीजिए, तब तक आप लोग बने रहिए। आप लोगों को पहले लेवल भी दिखाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चार्ट में एक बार देख लेते हैं। अरे यार ये हटता नहीं है। तो देखिए इसमें जो चार्ट का सेटअप दिखा है, देखिए ये भी नीचे आने का एक्चुअली इसका कोशिश है, ठीक है। तो अभी इस बार आप लोग को मतलब दिखाऊंगा, अभी लेवल दिखाऊंगा तो लेवल कैसे निकल के आता है। सोच लीजिए इधर कितना तक तेरी, ये तो चार्ट ही बंद हो गया। इसका भी सेव करना पड़ेगा चार्ट को, ठीक है। मैंने लेवल दिखाता हूँ, लेवल दिखाने का पहले कोशिश करता हूँ। बंद हो गया, इसका लेवल पहले आप लोग को बता देता हूँ दोस्त। जो कि आप लोग इधर आज का जो मैंने फाइल लोड किया है, मतलब अपडेट किया, आज का जो मतलब अपडेट किया हूँ, वो नीचे थोड़ा सा बैठा के वैल्यू बैठा के मैंने फार्मूला को ड्रैग कर लिया, तो इसमें इसमें 9814 का ऊपर बाई आएगा, ठीक है। और इधर 9753 के नीचे सेल आएगा, और इधर 2700 के ऊपर बाई आएगा बैंक निफ्टी का। और ये तो ऑलरेडी नीचे आ गया है, हो सा शायद 2434 का नीचे ऑलरेडी जा चुका होगा। तो इधर से चार्ट नहीं खुल रहा है, एक मिनट और भी लेवल दिखाना दीजिए। इधर 21,600-700 के ऊपर, ये 572 के ऊपर सोच लीजिए, या 535 या 499 के नीचे, 462 के नीचे तो ऑलरेडी सेल हो चुका है, देखना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप लोग मेरा पिछले वाला जो लाइव डेमो दिखाया वो बहुत दिन से देख रहा हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने जो अगला दिन का फाइल का जो दिखाया है वो भी आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें कैसे एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो टेक्निक आप लोगों को सीख लेना चाहिए,
बिगिनर्स हो या एक्सपीरियंस्ड हो, आप लोग को 100% काम पे आएगा। मैं इसका खोल लेता हूँ और इतना कम फीस में आप लोग को सब कुछ मिलता है। ट्रेनिंग लीजिए या कॉल सर्विस लीजिए, आप लोगों को इधर भी से नेट रुक गया है, नेट कट गया। एक मिनट रुकिए, टाइम चला जाएगा मैं जानता हूँ, देखते हैं फिर से एक बार। लेवल को तो आप लोगों को पता कर देता हूँ, उसके बाद लेवल आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो चार्ट का सेटअप से मैंने बोला था कि नीचे आने वाला है, तो बैंक निफ्टी 600 से देखता है आप लोग 400 के तब आ गया है। इधर देखिए, इधर 9793 चल रहा है, इधर 21,440 चल रहा है, ठीक है। तो इधर 434 का नीचे एक बाई का लेवल, सेल का लेवल है, ठीक है। और 21,425 के नीचे सेल का लेवल है। और इधर ये कितना चल रहा है, 9790 इधर 9801 के ऊपर इसका बाई का लेवल जाएगा। और इधर ये ऊपर जाने का है तो इसका 499 के ऊपर इसका ऊपर जाने का है, और ये 425 का नीचे सेल का लेवल आएगा। और इधर ये जो लेवल है 9776 का नीचे पकड़ सकता है, 9776 का नीचे ये नीचे आएगा, ठीक है। 9751 तक आएगा, ये आप लोग नोट कीजिए। 9776 के ऊपर नीचे ये नीचे आएगा 9751, और 9801 के ऊपर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और इधर ये 499 के ऊपर बाई रहेगा, और 425 के नीचे इसका सेल आएगा बैंक निफ्टी का। तो चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर, ये देखिए 425 का नीचे ऑलरेडी आ चुका है, मेरा नेट चला जा रहा है।
अभी ये देखिए ये 425 का नीचे आया था, कितना तक आया था ये 390 का नीचे आप लोग देख सकता है, ये 390 तक ये था। मैंने इसमें आप लोगों को 81 या कैंडलस्टिक दिखाने से और भी पता चलता था, ठीक है। और इसका लेवल आया नहीं है, ये इसका 9776 का नीचे अभी तक आया नहीं है। 9776 का नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा, तो टाइम नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा हैपेजट मूवमेंट हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, देखते हैं तब भी। और इसका बाई का लेवल जाएगा 499 के ऊपर, 21,499 के ऊपर। के ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। 9801 का तोड़ नहीं पा रहा है, ये ऊपर जाएगा, 9825 तक जा सकता है। और ये 499 के ऊपर शायद अभी थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा मार्केट, वैसा नीचे आया था, ऊपर जाएगा लगता है। इसका 499 के ऊपर, हाँ ये ऊपर, ये भी ऊपर लग गया, ये जा सकता है, ये भी सिर्फ ट्रिगर हो गया है 535 तक, उसके 572 तक। और ये 9801 के ऊपर 9825 9850, देखते हैं लास्ट मोमेंट में आप लोगों को कितना दिखा सकता हूँ। ये 515 525 हो गया, शायद 535 हो जाएगा, 530 हो गया, 131 हो गया, देखता है। पैंतीस का ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट लेवल जा सकता है 572 तक, 530 सोच लीजिए, ये फर्स्ट टारगेट हो गए, हो ही गया है। 535 तोड़ेगा तो नेक्स्ट लेवल आएगा 572। और ये 9821 825 जाएगा तो 15 पॉइंट तो ऑलरेडी हो चुका है, ये नहीं सकता है, तक जा सकता है। ये 20 हो गया है, 20-23 हो गया है, देख रहा है दोस्तों कैसे काम करता है लेवल्स। 530-32 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, देखता है। वो 23 हो गया है, वो 25 ब्रेक करेगा तो फिर से नेक्स्ट लेवल आएगा। ये सब का एंगल्स का है, तो एंगल्स में रेजिस्टेंस है तो इसमें, और एंगल्स कैसे बनता है दोस्तों, ये प्राइस एक्शन से ही होता है ना, प्राइस एक्शन बोलिए, सब सप्लाई वॉल्यूम डिमांड, बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, आज भी अब लोग कुछ भी कहता है, बहुत सारा लोग बहुत सारा नाम पे, जो हम लोग का मकसद एक ही है, लेकिन जो जिस लेकिन इस जो जो टेक्निक अपनाता है, लेकिन इस टेक्निक में थोड़ा सा मतलब बहुत ही एक्यूरेसी अच्छा होता है और सुविधा भी होता है। ये देखिए इसका तो 23 हो गया है, इसका शायद फर्स्ट टारगेट मतलब फर्स्ट 25 भी हो गया है, 25 के ऊपर गया है, देखता है 26 तक मतलब 26 चल रहा है, नेक्स्ट लेवल आता है क्या नहीं आता है, और हो सकता है उसका अंदर ही ये
थोड़ा सा एंगल ऐसे 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 जो आप लोग को दिखाता हूँ, मैं इधर से वाल पर उसका भी लेवल ड्रा कर सकता हूँ। इधर से आप लोग को सोच लीजिए, ये ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया था ना, तो देखिए इधर का जो एंगल है, एंगल का जो जाता है तो इधर से ये ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो अभी इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, तो इस एंगल तक आया है तो इस एंगल को इतना तक आता है, आ सकता है, नहीं या नहीं भी आ सकता है, इस एंगल पकड़ के देख सकता है कितना ऊपर तक जा सकता है। ये 9835 हो चुका है, 9825 के ऊपर देखते हैं। ये भी 5598 हो गया है, शायद इसका नेक्स्ट लेवल आ गया है, नेक्स्ट लेवल 535 के ऊपर, 572 फर्स्ट टारगेट है, 567 हो गया है, ये भी 41 हो गया है। अब लोग देखते रहिए कैसे मैजिक की तरह काम करता है, उसके हिसाब से अब लोग ट्रेनिंग लीजिए या कॉल सर्विस लीजिए, कुछ भी लीजिए। और ये चार्ट का सेटअप से बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। फोर्टी फाइव 48 हो गया है, शायद 50 लग जाएगा। ये देखिए इसका फर्स्ट नेक्स्ट टारगेट लग गया है 578। अभी नेक्स्ट कितना तक जा सकता है, ये 609 तक, 21,000, सॉरी 21,572, 572 के ऊपर 21,609 तक जा सकता है, 645 तक जा सकता है। ये तो 50 है, 50 के ऊपर। अब लोग लेवल नोट करते रहे, लेकिन इतना कम टाइम में आप लोग भी समझ सकता है कि सभी टारगेट नहीं लग सकता है। इसका तो 50 हो चुका है, 50 के ऊपर जा रहा है, 50 के ऊपर इसका लेवल है, 50 के ऊपर इसका लेवल है, 74 है, और इधर 609 जा सकता है, लेकिन गया नहीं है, शायद 680 या 82 तक गया था। फर्स्ट टारगेट आप लोग को होगा 100%, मतलब 100% मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन 95% के ऊपर एक्यूरेसी है फर्स्ट टारगेट को आप लोग को अचीव हो गई होगा। एक्चुअली एक लेवल मिलने के बाद फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है, 587, और इधर पास जो 72 का लेवल है, ये इसका 72 का लेवल है, देखते हैं। एक्चुअली ये मार्केट अभी आप लोग समझ सकता है, ये लास्ट मोमेंट में कुछ मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसका ऑप्शन चेन भी एक बार देख लेना तो भी अच्छा रहेगा, क्या हो सकता है नीचे आएगा क्या ऊपर आएगा, क्योंकि उसमें अभी कुछ बीच में 3 दिन का हॉलिडे है, तो पीपल क्या सोच रहा है, मतलब बाई का जाएगा जा सकता है या सेल का लेवल पे जा सकता है, तो इसमें देखना पड़ेगा सन चेन में कहाँ पर क्या हो रहा है एक्टिविटी। इधर नेक्स्ट एक्सपायरी का देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो एक्टिविटी चलेगा वो नेक्स्ट लेवल पे चलेगा नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो इसका क्या बन रहा है एक बार देख लेते हैं, ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। 10,000 का 9905, 9990, इसमें सब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो लगता है फिर से मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा लास्ट मोमेंट में, क्योंकि इधर जो एक्टिविटी देख रहा है तो इधर मतलब BTST या बाइंग करके रखना, इधर शॉर्टिंग हो रहा है, अपर साइड में शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर नेट चला गया, 1 मिनट नेट को आने दीजिए। लगता है ऐसे लास्ट मोमेंट तक ये ऊपर ही जाएगा, 3 बीस के बाद ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पीपल बाई का मूड में है और
कल बाय करके रखना चाहता है। इसमें बैंक निफ्टी का देखता है कितना दूर तक जा सकता ही है। इसका बैंक निफ्टी का शॉर्टिंग हो रहा है दोस्तों, ये तो आज का है, मतलब इस एक्सपायरी का। इधर से कुछ 700 में इसका शॉर्टिंग मतलब अच्छा दे रहा है। 22,000 में भी इसका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो लगता है लास्ट मोमेंट तक ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी बाई कर सकता है। और इधर चीज़ देखना है, देख लूँगा तो उसका भी पता चल जाएगा। इसमें नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें फ्यूचर का लॉन्ग बिल्ड अप सन इंडेक्स, फ्यूचर का 30 अप्रैल 28 एम ए, वॉल्यूम टर्नओवर ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो इधर लगता है ऊपर ही जाएगा। इधर भी समय का पॉजिटिव रह गया है। ठीक है, तो इसका देखता है ऊपर जाने का माहौल है, देखना पड़ेगा। ये ऊपर से लास्ट मोमेंट में ये थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, लेकिन 3 वीक्स के बाद ये शायद ऊपर जाएगा फिर से दोनों ही। ये 15-20 के बाद लगता है ये दोनों फिर से ऊपर जाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग बिल्डअप, ये सब देख के थोड़ा सा पैरामीटर सा पता चलता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस भी मैंने रखा हूँ, आप लोगों को जो हमारा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और इधर से भी दिखा देता हूँ, सब चीज़ आप लोगों को सीखा जाएगा। जो चार्ट का सेटअप, स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स, यूज ऑफ फिबोनाची टूल्स, गन टूल्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी बेस्ड गन एंगल्स, ये मोस्ट एक्टिव प्रोबेबल मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप लोगों को ये मिल रहा है। मेरा काम दिखाना, उसके बाद आप लोगों का मर्जी है। देखिए लास्ट मोमेंट में फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे 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 सब प्रॉफिट बुकिंग आया था। इधर वैसा जब तक इसका 22,000 का लेवल पे इसका एक्टिविटी चल रहा है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो गया है। लॉन्ग बिल्डअप है उधर तक, और उधर आई भी ज़्यादा है, और इधर इंडिया भी इसमें भी देख लेते हैं, क्योंकि उसमें पता चलता है आदमी लोग का करने का डर, बाई करने का डर, कमा है या नहीं कमा है, और क्या सोचता है। बीच में 3 डेज
छुट्टी रहेगा तो इसका देखते हैं, ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है तो मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, इतना अच्छा मूवमेंट जो आदमी लोग सोचता है कि इसका ओवरबॉट हो चुका है, अभी नीचे आ सकता है, थोड़ा सा मार्केट सेंटीमेंट है नीचे रहा है, लेकिन उधर भी ऑप्शन चेन में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी भी दिख सकता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल है तो कौन सा लेवल हो सकता है देखना पड़ेगा कि उस लेवल तक बाई हो सकता है, उसका नीचे ऊपर बाई नहीं होगा। तो इसमें देखिए इधर 10,000 तक इसका बाई होने का एक्टिविटी चलता हो सकता है। 9950 9900 मैंने जब निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करूँगा उसमें डिटेल्स में बताऊँगा। और इधर का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इधर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बना है 10,000 में, और इधर 796 9700 9,500 में, इधर 567 चेंज है, इधर 611, तो इधर का मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, मतलब बाइंग होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और इधर बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी का जो है, इधर जो बैंक निफ्टी का लेवल है, इक्कीस हजार 800 का 31,197, ये 22,000 तक ये उठ सकता है। ठीक है, तो उसका नीचे इसका लेवल बीच में 21,800 में इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिलेगा, 21,700 तक पकड़िए, पता है 21,700, उसके बाद 21,800 का ऊपर जाएगा तो 22,000 तक जा सकता है। और इधर क्या एक्टिविटी चल रहा है, शॉर्टिंग होगा तो इधर 125 दिख रहा है, और मार्केट ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा क्लियर और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी क्या हो सकता है वही बता रहा हूँ आप लोग को। 9864 टिक गया है, 9872 तक इसका लेवल था, हो सकता है चला ही गया था, और हमको मैं एक्चुअल प्राइस नहीं दिखाता है, यहाँ से देखिए दोनों लेवल जब क्रॉस किया है कितना सुंदर अप मूवमेंट दिया है इस लेवल से। निफ्टी का चला गया था कितना, अभी ये तो एक्चुअल एक्चुअल प्राइस नहीं दिखेगा, एक्चुअल प्राइस दिखने के लिए कैंडलस्टिक या यकीन ऐसी देखना पड़ा, एक्चुअल कैंडलस्टिक ही देखना पड़ता है। तो कितना दूर तक गया था, ये 9865 तक गया था,
मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैंने मैंने अभी ये वीडियो अभी इधर देखा, ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो इससे आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग आएगा तो आप लोग को मेरा यूट्यूब वीडियो का कमेंट्स में या मेरे को व्हाट्सएप में फीडबैक दे सकता है। तो इसमें आप लोग को कैसे मतलब आप लोगों को भी सुविधा होगा, को आप लोग लाइव मार्केट में आप लोग को कॉल मिलेगा, ट्रेड भी कर सकता है और ऑब्जर्व भी कर सकता है। तो मेरे को आप लोग पता करेंगे तो आप लोग फीडबैक देंगे तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में भी आ सकता हूँ। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप लोग ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए। तो मेरे साथ फीडबैक देना और बाद में मिलता हूँ। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके उसके बाद बाई सेल लेवल्स भी आप लोग को नेक्स्ट डे के लिए दे दूँगा, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। तो आप लोग ऑब्जर्व करते रहिए। तब तक के लिए मैंने धन्यवाद।